नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको रेगुलरली स्किन की किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज मैं आपको पेम्फिगस नाम की बीमारी के बारे में बताऊंगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस बीमारी का हो सकता नाम नहीं सुना हो, क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पूरे शरीर पर पानी के फफोले यानी ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। अब इस बीमारी के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में आपको बताऊंगा। पेम्फिगस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि नॉर्मली हमारे इम्यून सिस्टम जो है, हमें बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी चीजों से, इनके अटैक से बचाने के लिए उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करता है। लेकिन कभी कभी गलती से हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपनी स्किन के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर देता है और उसके कारण से स्किन डैमेज हो जाती है और उसमें छाले पड़ जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम की खराबी हर किसी को नहीं होती, ये केवल उन्हीं लोगों की होती है जिनमें की जीन्स में इस बीमारी होने की संभावना होती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलामिन से भी बीमारी आ सकती है। वैसे तो बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मिडिल एजेड और बुजुर्गों को होती है। एक लंबी बीमारी है और अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये लगने वाली बीमारी नहीं है। इस बीमारी का खास लक्षण है स्किन पर पानी के फफोले होना या ब्लिस्टर्स होना। ये ब्लिस्टर्स सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी पर हो जाते हैं। स्किन के अलावा मुंह के अंदर भी ये छाले हो जाते हैं, नाक, आंख, कान और गले पर भी ये छाले हो जाते हैं। और ज्यादातर लोगों में ब्लिस्टर पहले मुंह में शुरू होते हैं और उसके बाद फिर स्किन पे आते हैं। मुंह में ब्लिस्टर होने के कारण से खाना नहीं खा पाते हैं और दूसरी परेशानियां होती हैं, और कई लोगों को केवल सिर्फ लिक्विड फूड पर ही रहना पड़ता है। ब्लिस्टर्स मुलायम होते हैं और इसलिए आसानी से फूट जाते हैं, और जिससे इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे और इसमें पस पड़ जाता है। इनके फूटने के बाद स्कैब बन जाता है, इसमें जलन और खुजली भी होती है, और ठीक होने के बाद ये काले निशान छोड़ जाते हैं, लेकिन स्कार नहीं बनता है। अभी जो मैंने आपको ये लक्षण बताए, ये है पेम्फिगस वल्गरिस के। वल्गरिस का मतलब जो सबसे कॉमन टाइप का पेम्फिगस होता है। पेम्फिगस का एक और वेरिएंट होता है जिसको कहते हैं पेम्फिगस वेजिटांस। इसमें बॉडी फोल्ड्स में ब्लिस्टर्स फटने के बाद वहां पर वॉट जैसे बड़े बड़े दाने बन जाते हैं। एक और तरह का पेम्फिगस होता है जिसमें फफोले स्किन की सबसे ऊपरी सतह पर होती है, और इसलिए ये बहुत पतले फफोले होते हैं और जल्दी से फूट जाते हैं, और हमें एक्चुअली फफोले दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, तो फफोले की बजाय हमें स्कैब दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के पेम्फिगस को कहते हैं पेम्फिगस फोलिशियस। ये पेम्फिगस फोलिशियस जो है वो सिर, फेस, नेक, अपर चेस्ट पर होता है। इसी तरह कुछ और भी पेम्फिगस के वेरियंट्स होते हैं। इस बीमारी का अगर इलाज नहीं करेंगे तो कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें लाइफ को खतरा भी हो सकता है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, लेकिन फंगल और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। फिर पेम्फिगस को ठीक करने के लिए जो इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब जो इम्यूनिटी को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और उनसे भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब पेम्फिगस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पेम्फिगस एक लंबी और जानलेवा बीमारी है। पहले इस बीमारी में डेथ रेट जो थी वो 90% हुआ करती थी, लेकिन अब मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ ये रेट बहुत कम होके केवल 5-10% रह गई है। आजकल के ट्रीटमेंट से इस बीमारी की प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ट्रीटमेंट रेगुलर होना चाहिए और स्ट्रिक्टली डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। पेम्फिगस का हमारे पास कोई क्योर नहीं है, यानी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो जिससे बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उनसे इसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा टाइम जो पेशेंट है इस बीमारी से मुक्त रह सकता है। इसके इलाज में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो दवाइयाँ आती हैं वो होती हैं स्टेरॉइड्स। इनके हाई डोजेस से हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम इनको कम करते चले जाते हैं और एक मेंटेनेंस डोज रखते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली डॉक्टर के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि इन दवाइयों की जो डोज है वो बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर करनी पड़ती है।
हाई डोजेस के कारण से स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट भी होते हैं, और इनके साइड इफेक्ट्स में ज़्यादातर ये होता है कि वजन बढ़ जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, पेट में जलन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है। लेकिन इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जान को खतरा हो सकता है। साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं, फिर भी साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। स्टेरॉइड्स की पल्स थेरेपी को भी हम यूज़ करते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स को हर महीने हाई डोजेस में इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के द्वारा देते हैं। इस थेरेपी में स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। कुछ और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी हैं, जैसे कि एजाथायोप्रीन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है और माइकोफिनोलेट है। इनका भी हम पेम्फिगस के ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं। इनको स्टेरॉइड के साथ देते हैं, जिससे स्टेरॉइड्स की डोज थोड़ी कम हो जाती है और उनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। एक और दवाई है जो इसमें काफ़ी अच्छी काम करती है, और वो है रिटुक्सिमैब। इसको हम 15 दिन के इंटरवल पर 2 इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं। इसमें कई महीनों तक ये बीमारी ठीक रहती है और दोबारा नहीं आती है। स्किन पर लगाने के लिए स्टेरॉइड क्रीम और मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। फफोले फूटने से जो जख्म बन जाते हैं उनको अच्छी वुंड केयर करनी चाहिए। इन पर बिना चिपकने वाली एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग हम दे सकते हैं। मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उनके लिए स्टेरॉइड माउथ पेस्ट आता है, उसको अपन यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी यूज करना चाहिए। स्पाइसी और इरिटेटिंग फूड को अवॉइड करना चाहिए और ऐसे ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।